हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेक केस की। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि Redmi Note 10 Pro में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड के साथ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले टूल्स में चले जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको ये वाला आइकन दिखेगा, इस पर हमें क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहीं पर आपको स्टॉप की ऑप्शन भी मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप स्टॉप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो फिर से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जाएंगे, टूल्स में जाकर, और यहाँ पर ऊपर राइट साइड में सेटिंग की ऑप्शन मिल जाएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हाई या फिर ऐसे फुल एचडी, एचडी आप देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेन ऑप्शन है साउंड सोर्स, आप देखते हैं इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको साउंड नहीं चाहिए मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, तो आपको म्यूट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको एक्सटर्नल साउंड चाहिए माइक वगैरह का, तो आपको माइक पर क्लिक कर देना है। अगर आपको इंटरनल साउंड चाहिए तो आपको सिस्टम साउंड्स पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे आप अपने हिसाब से ऐसे सेटिंग्स कर सकते हैं।